good morning my dear student myself alok welcome to my channel student today we are discussing a concept of minimum molar mass and concept of average molar mass first we will discuss the concept of minimum molar mass suppose student in any question you have asked to calculate minimum molar mass of any compound then what you have to do यू हैव टू कंसिडर वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट हुसेंटेज कम्पोजिशन इज गिवन इन द्वेश्चन करेक्ट आपको क्या करना है अगर मिनिमम मोलर मास कैलकुलेट करने को आएगा तो जिस एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है उस एलिमेंट का आपको एक ऐटम कंसिडर करना है करेक्ट एंड अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन करेक्ट क्लियर क्योंकि अगर मॉलिक्यूल में किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन ज़ीरो से ग्रेटर देन है दिस मींस उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का कम से कम एक एटम तो प्रेजेंट होगा ही करेक्ट क्लियर और अगर आप एक एटम लेते हैं उस एलिमेंट का एंड कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड देन द मोलिकुलर मास ऑफ दैट कंपाउंड इज नोन एज मिनिमम मोलर मिनिमम मोलिकुलर मास या मिनिमम मोलर मास करेक्ट राइट लेट सी द सेम आई है लेट सी इट फॉर मिनिमम मोलर मास ऑफ एनी कंपाउंड दैट कंपाउंड शुड कंटेन एट लीस्ट वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट हुज परसेंटेज इज गिवन जिसका परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होगा उसका आपको एक ऐटम कम से कम कं कंसिडर करना है करेक्ट टू कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास स एट परसेंट ऑफ सल्फर बाय मास द मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज करेक्ट तो हमें क्या सल्फर का परसेंटेज कंपोजिशन दिया है एट परसेंट और हमसे पूछा है मिनिमम मोलर मास ऑफ दाउ विल डू इट स्टूडेंट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर इज गिवन एट हाउ मैनी मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ सल्फर दैट इज थर्टी टू डिवाइडेड बाय व्हेन यू कंसीडर वन एटम देन इट विल बी मिनिमम मोलर मास मल्टीप्लाईड बाय व्हाट स्टूडेंट हंड्रेड बाय डूइंग द कैलकुलेशन वी फाइंड द मिनिमम मोलर मास इज इक्वल टू फोर हंड्रेड करेक्ट तो हियर द मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड एट परसेंट सल्फर बाय मास इज फोर हंड्रेड करेक्ट बहुत आसान है स्टूडेंट आपको कभी भी मिनिमम मोलर मास का क्वेश्चन आएगा तो आपका जिसका परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होगा एलिमेंट का उस एलिमेंट का एक एटम आपको कंसिडर करना है बस करेक्ट तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास क्लियर सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज स्टूडेंट एवरेज मोलर मास या एवरेज मॉलिकुलर मास करेक्ट सपोज स्टूडेंट वी हैव अ सैम्पल मिक्सर कंटेनिंग मोर देन वन डिफरेंट मॉलिकूल्स और कंपाउंड करेक्ट हमारे पास क्या है? कोई सैम्पल मिक्सचर है जिसमें मोर देन वन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड प्रेजेंट है और हमें उस मिक्सचर का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने को बोला गया है तो उस मिक्सचर के मॉलिकुलर मास को हम क्या कहेंगे एवरेज मॉलिकुलर मास करेक्ट कभी भी क्वेश्चन आता है टू कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ अ मिक्सचर दिस मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज मॉलिकुलर मास करेक्ट क्लियर राइट द सेम आई हैव हियर. सपोज वी हैव अ सेंपल मिक्सचर कंटेनिंग मोर देन वन डिफरेंट मॉलिकूल्स आर कंपाउंड एंड वी हैव आक्स टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ दिस सेंपल मिक्सर करेक्ट देन वी हैव टू टेक एन एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द डिफरेंट मॉलिकूल्स प्रेजेंट इन द मिक्सर हमें क्या करना है उन सबकी एवरेज वैल्यू लेनी है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की जो प्रेजेंट है किसमें मिक्सचर में और जो एवरेज वैल्यू ऑफ ये जो मोलर मास आएगा उसी को हम क्या कह रहे हैं एवरेज मॉलिकुलर मास करेक्ट क्लियर सो कभी भी स्टूडेंट मैं रिपीट कर रहा हूँ कभी भी अगर मिक्सचर है जिसमें मोर देन वन डिफरेंट कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और आपको उसका मॉलिकुलर उस मिक्सचर का मॉलिकुलर मास निकालने को आएगा तो आपको क्या निकालना है एवरेज मॉलिकुलर मास निकालना है करेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा वो कभी नहीं आपसे कहेगा कि कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ अ मिक्स एवरेज मॉलिकुलर मास ना वो हमेशा मिक्सचर देगा और आपसे कहेगा कि मॉलिकुलर मास निकालिए तो आप समझ जाइएगा आपको क्या निकालना है एवरेज मॉलिकुलर मास करेक्ट तो क्लियर स्टूडेंट अब जो मिक्सचर है स्टूडेंट उसकी जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो गिवन हो सकती या तो परसेंटेज वॉल्यूम में या परसेंटेज मोल में या सिंपली मोल में करेक्ट क्लियर तो अगर कंपोजिशन परसेंटेज वॉल्यूम में या परसेंटेज मोल में गिवन है तो फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है स्टूडेंट जैसे हमने एवरेज एटॉमिक मास में कैलकुलेट किया था वहाँ पर क्या किया था एक आइसोटोप इन उस आइसोटोप का मास इंटू इट्स परसेंटेज अबेंडेंस प्लस सेकेंड आइसोटोप का मास इंटू इट्स परसेंटेज अबेंडेंस डिवाइड बाय हंड्रेड यहाँ पे हम क्या करेंगे फर्स्ट मॉलिक्यूल जो होगा उसका मोलर मालिकुलर मास इंटू इट्स परसेंटेज वॉल्यूम प्लस जो सेकेंड मॉलिक्यूल है जो डिफरेंट मॉलिक्यूल है उसका मॉलिकुलर मास इंटू इट्स परसेंटेज वॉल्यूम डिवाइड बाय हंड्रेड करेक्ट सी इट इफ कंपोजिशन ऑफ़ अ मिक्सचर इज गिवन इन परसेंटेज वॉल्यूम और परसेंटेज मोल देन एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल वन मल्टीप्लाइड बाय बाई परसेंटेज वॉल्यूम प्लस मॉलिक्यूल मास ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल दैट इज टू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज वॉल्यूम डिवाइड बाय हंड्रेड करेक्ट क्लियर स्टूडेंट लेट्सपोज हमने फॉर एग्जाम्पल लिया आर्गन और हीम का मिक्सचर है और हमें करेक्ट हमें इसका इस मिक्सचर का मॉलिकुलर मास निकालना है दिस मीन्स वॉट यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज मोलर मास तो आपको क्या करना है एवरेज मोलिकुलर मास इज इक्वल टू आर्गन का मास इट्स परसेंटेज वॉल्यूम दैट इज वी वन प्लस का दैट इज मॉलिकुलर मास एम टू इन टू क्या परसेंटेज वॉल्यूम वी टू बाय हंड्रेड करेक्ट सो so, ये फॉर्मूला क्या बनेगा एवरेज मोलर मास क्लियर लेट्स सी फ्रॉम वन एग्जाम्पल स्टूडेंट कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अ एयर कंटेनिंग ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन एंड वन परसेंट आर्गन परसेंटेज इज इन वॉल्यूम सारी परसेंटेज इसमें गिवन है वॉल्यूम में तो हमें पता है एयर इज अ मिक्सचर तो ईयर का मॉलिकुलर अगर ईयर का मॉलिकुलर मास हमें निकालना है दिस मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज मॉलिकुलर मास किसी भी मिक्सचर के मॉलिकुलर मास को हम क्या कहेंगे एवरेज मॉलिकुलर मास स्टूडेंट मैं रिपीट कर रहा हूँ करेक्ट सो एयर का मॉलिकुलर मास कैसे आएगा एवरेज मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू तीन डिफरेंट मॉलिकुल्स प्रेजेंट है तो सभी का मॉलिकुलर मास इनटू इट्स परसेंटेज वॉल्यूम डिवाइड बाय हंड्रेड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एवरेज मॉलिकुलर मास मिल जाएगा एयर का तो क्या करेंगे स्टूडेंट सबसे पहले परसेंट नाइट्रोज ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास कितना है थर्टी टू

कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन कंटेनिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन हैविंग एवरेज मोलर मास ऑफ थर्टी टू इस बार क्या गिवन है स्टूडेंट हमें एवरेज मोलर मास गिवन है मिक्सचर का सी ओ कार्बन मोनोऑक्साइड दैट दी ओ और सी ओ टू का हाँ तो हमारे पास मिक्सर है सी ओ और सी ओ टू का और एवरेज मोलर मास थर्टी टू दे रखा है इस मिक्सचर का हमें परसेंटेज पूछा है कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर के अंदर कितना है तो लेट्स सपोज अगर इसका परसेंटेज एक्स मान लें तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट हंड्रेड माइनस एक्स ना वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एवरेज मोलर मास टू कैलकुलेट एक्स करेक्ट वट विल डू इट थर्टी टू Is equal to what 28 that is molecular mass of CO into x plus 44 into 100 minus x 44 is molecular mass of CO2 divided by 100 and calculate the value of x this x is equal to 75. Correct student? I hope these two questions are clear to you. Now next

तो अगर मोल्स में कंपोजिशन गिवन है तो आपको फॉर्मूला किसका लगाना पड़ेगा मोल का टू कैलकुलेट एवरेज मोलर मास करेक्ट क्लियर और अगर मोल्स में कंपोजिशन गिवन है तो जो डेफिनेशन होगी एवरेज मोलर मास की वो क्या होगी द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज एवरेज मोलर मास उस मिक्सचर के एक मोल का जो मास होगा उसको क्या बोलेंगे हम एवरेज मोलर मास इफ कंपोजिशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोल करेक्ट तो मिक्सचर के लिए हम क्या फॉर्मूला बनाएंगे स्टूडेंट मोल का तो यहाँ पे मिक्सचर गिवन है तो हमें क्या लेना पड़ेगा टोटल मोस्ट लेना पड़ेगा करेक्ट तो जब आप यहाँ पर टोटल मोस्ट लेंगे तो आपको उप, क्या फॉर्मूला में लेना पड़ेगा टोटल वेट लेना पड़ेगा डिवाइडेड बाय क्या होगा स्टूडेंट क्योंकि मिक्सचर है तो डिवाइड बाय हो जाएगा एवरेज मोलर मास क्योंकि हमें पता है मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है वेट अपऑन मॉलिकुलर वेट तो जब मिक्सचर होगा तो आप मोल्स के जगह क्या लेंगे टोटल मोल्स और वेट के जगह क्या लेंगे टोटल वेट और डिनोमीटर में जो मोलर मास होगा उसके जगह क्या आएगा एवरेज मोलर मास तो यहाँ से एवरेज मोलर मास क्या आएगा टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स करेक्ट सेम है टोटल मोल्स इज इक्वल टू टोटल वेट अपॉन एवरेज मोलर मास सो एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स सो एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू डब्लू वन प्लस टू एंड सो ऑन डिवाइड बाई डब्ल्यू एन वन प्लस एन टू एंड सो ऑन वॉट इज डब्ल्यू वन वेट ऑफ कम्पोनेंट वन इन द मिक्सचर मतलब ए फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो है उसका वेट डब्ल्यू टू इज़ वेट ऑफ कंपोनेंट टू इन द मिक्सचर एन वन इज़ मोल्स ऑफ कम्पोनेंट वन इन द मिक्सचर एन टू इज मोल्स ऑफ कम्पोनेंट टू इन द मिक्सचर करेक्ट कंपोनेंट वन या कंपोनेंट टू मतलब मॉलिक्यूल वन और दूसरा मॉलिक्यूल क्या टू जो डिफरेंट कम्पाउंड का जो मॉलिक्यूल है करेक्ट सो so, अगर हमें टोटल वेट को W1 को W W1 वन एंड डब्ल्यू टू हम लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल तो हमें पता है जो N1 होगा वो क्या होगा स्टूडेंट W1 वन अपॉन एम वन मोल्स ऑफ वन इज इक्वल टू वेट ऑफ वन अपॉन, अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ वन अपॉन अपॉन, तो W1 क्या होगा N1 वन इन टू एम वन जो N2 होगा वो होगा W2 टू अपॉन एम टू यहाँ स्टूडेंट डब्ल्यू वन अपॉन एम वन का है तो आप उसको सही कर लीजिएगा यहाँ क्या डब्लू टू अपॉन एम टू तो W2 टू क्या हो जाएगा एन टू इन टू एम टू सो पुटिंग दिस डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू इन द इक्वेशन दिस इक्वेशन विल गेट एवरेज मोलर मास इक्वल टू एन वन एम वन प्लस एन टू एम टू अपॉन एन वन प्लस एन टू करेक्ट क्या फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट एन वन एम वन प्लस एन टू एम टू अपॉन एन वन प्लस एन टू वॉट इज एन वन मोल्स ऑफ कंपोनेंट वन एम वन मोल्स ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ कंपोनेंट वन प्लस एन टू क्या है मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू एंड एम टू इज मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू करेक्ट अब क्लियर तो लेट सी वन क्वेश्चन द एवरेज मॉलिकुलर मास ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ गैस कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज थर्टी सिक्स द मिक्सचर कंटेन्स टू एटी ग्राम ऑफ नाइट्रोजन देयर फॉर द एमाउंट ऑफ सी ओ टू प्रेजेंट इन द मिक्सर क्या गिवन है स्टूडेंट मिक्सर है हमारे पास नाइट्रोजन और कार्बन डाईऑक्साइड का और इस मिक्सचर का जो मोलर मास गिवन है वो क्या होगा एवरेज मोलर मास वो गिवन है थर्टी सिक्स और इस मिक्सचर में टू एट्टी ग्राम क्या है एन टू प्रजेंट है हमें सी ओ टू का अमाउंट निकालना है करेक्ट तो मैंने पहले बोला अगर हमारे पास मोल्स में गिवन है या वेट में गिवन है डाटा तो हम फार्मूला किसका लाएंगे एवरेज मोलर मास का क्योंकि हम वेट को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं सो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ मोल्स टू कैलकुलेट एवरेज मोलर मास करेक्ट तो सबसे पहले क्या करें बेटा नाइट्रोजन के क्या करें मोल्स निकाल लें तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू वॉट स्टूडेंट वेट गिवन दैट इज 280 एट्टी डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट एट ट्वेंटी एट दैट इज इक्वल टू टेन सो मोल्स ऑफ एन टू इक्वल टू टेन हम इसको एन वन मान लें एन टू हमें निकालना है दैट इज सी ओ टू के मोल्स एक्स मान लेते हैं एम वन और एम टू हमें दोनों को पता है एन टू और एम एन टू और सी ओ टू का एम वन और एम टू दोनों पता है ना वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला राइट एवरेज मोलर मास क्या है स्टूडेंट दैट इज थर्टी सिक्स इज इक्वल टू टेन दैट इज मोल्स इन टू इट्स मॉलिकुलर वेट दैट इज ट्वेंटी एट प्लस एक्स इंटू मॉलिकुलर वेट फोर्टी फोर अपॉन टेन प्लस एक्स जब इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट एक्स वैल्यू एस टेन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी टेन कि अगर हमें मोल्स मिल गए वॉट इज एक्स दैट इज मोल्स ऑफ सी ओ टू तो वेट ऑफ सी ओ टू क्या है स्टूडेंट टेन इंटू फोर्टी फोर दैट इज फोर फोर्टी ग्राम करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन Calculate average molar mass of a sample containing 2 moles of H2, 4 moles of helium, and 5 moles of N2. Correct? Very simple student. Moles given we will apply the formula of direct average molar mass. So average molar mass is equal to 2, that is moles of H2 into its molecular mass 2 plus 4 into moles of helium, 4 into molecular mass 4. प्लस फाइव इन टू ट्वेंटी फोर प्लस फाइव वैन गेट एन एवरेज मोलर करेक्ट तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट हमने दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए मैं रिवाइज कर रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास उसमें क्या करना है जिसका परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होगा जिस एलिमेंट का उसका आपको एक एटम कंसीडर करना है एंड अप्लाई द फॉर्मूला परसेंटेज कंपोजिशन टू कैलकुलेट द मिनिमम मोलर मास करेक्ट एवरेज मोलर मास किसके लिए होगा मिक्सचर के लिए होगा मिक्सचर के मॉलिकुलर मास को हमेशा एवरेज मॉलिकुलर मास बोलेंगे हम करेक्ट राइट right? और जो मोलिकुलर मास एवरेज मोलिकुलर मास कंपोजिशन आ परसेंटेज मोल में गिवन होगी या परसेंटेज वॉल्यूम में गिवन है तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे जो आपने एवरेज एटॉमिक मास के लिए लगाया था करेक्ट दैट इज और अगर परसेंटेज कंपोजिशन सिर्फ मोल्स में लेकर गिवन है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे सिर्फ मोल्स वाला दैट इज एन वन एम वन प्लस एन टू एम टू अपॉन एन वन प्लस एन टू करेक्ट राइट थैंक यू सो मच